top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. जी जो आपने बताया हमने खबर सुनी थी उस समय जो आपने बोला है लेकिन आपने जैसे बोला कि जो उसके जिम्मेवार हैं जिसकी वजह से वो हुआ आपने जो बोला कि क्या उनकी जान वापस कभी नहीं आ सकती मंदिर मस्जिद गिरजा घर कुछ भी हो वो बनाया जा सकता है लेकिन राम अल्लाह ईश्वर का बनाया ये शरीर दोबारा कोई नहीं बना सकता उसके अलावा दूसरी बात आपने बोला कि उस पर राजनीति हुई या ऐसा कुछ हमें उस बारे में हम कभी झूठ कभी जिंदगी में नहीं बोले हमें पता नहीं कि क्या क्या हुआ है उस बारे में लेकिन वो बच्चों की मौत का जो जिम्मेवार है उसे जरूर बुलाना चाहिए और उसे किए की सजा मिले और आगे से ऐसा ना हो सरकार को हर कदम वो उठाना चाहिए हम तो अपील कर सकते हैं तो यही हमारी गुजारिश है जी बिल्कुल ऐसा कि कभी किसी भी चीज के जीव हत्या के लिए या किसी पशु के लिए पक्षी के लिए आदमी सर्वोपरि है लेकिन एक हमने और बात भी कही थी कि हमने हर धर्म पे रिसर्च किया है पढ़ा है किसी धर्म में नहीं लिखा कि अगर गऊ को खाना जरूरी है तो क्यों ना गऊ को गौ माता घोषित कर दिया जाए ताकि चक्री खत्म हो जाए कोई उसको हाथ ही नहीं लगाएगा जब तक ये नहीं है तो कोई भी जाने में या जाने में ऐसा कर देता है अगर ये चीज बन जाए क्योंकि किसी धर्म में नहीं लिखा कि इसको खाना जरूरी है लेकिन एक धर्म में लिखा इसे मत खाओ तो हम सारे धर्म मिलके उस धर्म का साथ दें और ये गौ माता हो और फिर ये झगड़ा होने का हमें जो लगता है 1% भी चांस नहीं रहेगा क्योंकि हर आदमी समझ जाएगा कि इसको जैसे राष्ट्रीय पक्षी है मोर मोर को कोई नहीं छेड़ता तो अगर ये हो जाए तो फिर ये मारकाट भी खत्म हो जाएगी और ये मारकाट नहीं होनी चाहिए हम अब यही कहते ना वो जीव के साथ होनी चाहिए ना इंसानों के साथ होनी चाहिए हम तो अहिंसा का हमेशा रूहानियत जो सूफियत है वो बात पढ़ाती है तो उसी की बात करते हैं जी।